बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्मों का टकराव कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन कोई ना कोई फिल्म इसका शिकार होती रहती है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गोल्ड और कंगना की आने वाली फिल्म मणिकर्णिका की आपस में भिड़ंत होने वाली है। बीते दिनों ही ये सुनने में आया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ सकती हैं, जिसके बाद कई तरह की खबरें इन दिनों आने लगी हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि ये क्लैश क्या होता है, आप मीडिया वाले क्लैश तो ऐसे बोलते हैं जैसे हम किसी से लड़ने जा रहे हैं। अक्षय ने आगे बताया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक साल में कई फिल्में रिलीज करती है, साथ ही हमारे पास सीमित फिल्म थिएटर भी हैं। ऐसे में ये लाजमी है कि कुछ फिल्में एक साथ आएंगी, इस बात में किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं है। साल में केवल 52 हफ्ते ही होते हैं, ऐसे में हर किसी को सोलो रिलीज मिल पाना संभव नहीं है। कुछ फिल्मों की तो बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत होगी ही। वहीं हिंदी सिनेमा क्वीन कंगना ने भी दोनों की फिल्मों के टकराव का कुछ ऐसा ही जवाब दिया। कंगना रनौत के अनुसार दो फिल्मों के साथ में रिलीज होने में परेशानी क्या है, ये तो आम बात है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।